हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और मैं ये चार तो जो भुट्टा लेके आई थी मार्केट से, तो मैं इनका कुछ बना नहीं पाई थी क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिला मुझे। तो मैं सोच रही थी आज मैं इसकी भुट्टा छल्ली बनाऊं। घर पे जो कुकर में भुट्टा छल्ली बनाते हैं वही बनाने जा रही हूँ। तो चार भुट्टे थे, उसमें से मैंने तीन भुट्टे ले लिए हैं। इनको मैं छील ले रही हूँ और छील के इनके जितने भी रेसे वगैरह हैं सारे साफ़ कर दूंगी। और वैसे भी इसमें छिलके ये देखिए कितने निकलते हैं, तब जाके भुट्टा निकलता है। और ये भुट्टे निकले भी बहुत अच्छे हैं, एकदम बड़े बड़े दानेदार हैं ये देखिए, मतलब एकदम कसे हुए हैं। और वैसे मार्केट से अगर भुना हुआ भुट्टा लेते हैं तो एक भुट्टा ही 30 रुपये का आता है, और ये मैं 30 रुपये के चार भुट्टे लेके आई थी। तो ये मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं और उसके बाद इसके दो दो पीस कर दिए हैं। उसके बाद कुकर को रखा है गैस में, कुकर गर्म हो रहा है, इसमें मैंने सारे भुट्टे सेट कर दिए हैं। ऊपर से मैं पानी डाल दूंगी, इतना पानी डालूंगी कि ये डूब जाएं। ये देखिए डूब गए ये। उसके बाद इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, ऊपर वाला थोड़ा सा कम डूब रहा है लेकिन कोई बात नहीं, बॉयल हो जाएगा। और बस फुल फ्लेम पे, फुल गैस पे 10 मिनट इनको पकाना है। तो 10 मिनट इनको हो चुके हैं फुल गैस में, लेकिन इसकी गैस थोड़ी सी सीटी ख़राब है, इसलिए ये कुकर सीटी नहीं दे रहा है। इसकी बगल से गैस निकल जा रही है, यहाँ से ये ख़राब हो गया है इसका। तो इस वजह से ये मैंने, मतलब चावल भी ऐसे ही बना रही हूँ मैं आजकल, तो ये कुकर मुझे चेंज करना है क्योंकि एक बार तो मैं इसकी ये सही करा चुकी हूँ, पहले भी ख़राब हो गया था। तो अभी मैं खोल के देखती हूँ कि ये पक पाए हैं कि नहीं, क्योंकि सीटी तो आ नहीं पा रही है। इसमें 10 मिनट में नहीं हो पाए, जो अच्छे कुकर होते हैं ना जिसकी सीटी सही आ रही हो तो 10 मिनट में ये पक जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा खसल लग रही थी, नंदनी ने अभी एक दाना चेक कराया, खाया एक दाना, तो हल्का सा लग रहा है, ज्यादा नहीं है। एक दो मिनट और रखूंगी तो हो जाएगा। तो इनको दो तीन मिनट मैंने और पका लिया था और ये बहुत अच्छे से अब बॉईल हो चुके हैं। और इसमें मसाला लगाने के लिए मैंने लिया है चाट मसाला, चिली फ्लेक्स था और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च थी और काला नमक था, और ऊपर से ये ले लिया है नींबू। तो बस ये सारा मसाला लगा के नींबू के साथ में इसमें लगाएंगे। और आप में से कोई कह रहा था कि दिया भुट्टे मत खाना क्योंकि इससे गला और ख़राब होता है, तो मैं नहीं खाऊंगी। मुझे अचानक याद आ गया, मन तो बहुत कर रहा है कि मुझे वो कमेंट याद आ गया, तो मैं इन लोगों को ही खिलाऊंगी बस। तो ये बन गए भुट्टा छल्ली, तो आप लोग भी आ जाइए और इन्जॉय करिए। ये देखिए घर के उबले हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये आते जा रहे हैं अभी ऑफिस से, और कल ये अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पाए थे, इनकी शॉपिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि लेट हो गए थे। तो अभी ये आज अपने लिए लेके आए हैं, और ये पूरे साल डेढ़ साल के बाद एक बार अपने लिए कपड़े लेके आते हैं अच्छे से जब लाते हैं। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने, कल जो शॉपिंग करके लाए हैं वो आपको दिखा नहीं पाए थे क्योंकि रात में नंदनी के कमरे में रखे थे वो कपड़े, वहीं पर थैला रखकर नंदनी सो गई थी। नंदनी अपना थैला ले आना। तो पहले तो मैं आयान की टी शर्ट दिखाऊंगी आपको, क्योंकि उसके पास जो टी शर्ट थी वो सारी फुल थी, लेकिन जो हाफ थी वो छोटी हो गई थी, पिछली बार वो और ज्यादा लूज हो गई, वैसी खराब नहीं कपड़े। तो मैं कुछ इसके लिए टी शर्ट लेके आई हूँ। एक ये है रेड कलर की टी शर्ट, उसके बाद एक ये लाई हूँ येलो कलर में, इस तरीके से ऐसी है। और उसके बाद ये नंदनी को पसंद आई थी लाइट ग्रीन कलर की, ये देखिए। उसके बाद एक फुल भी ले आई हूँ, ये देखिए, मच्छर वच्छर काटते हैं ना तो फुल भी पहना सकते हैं क्योंकि लाइट कपड़े में है। उसके बाद एक ये फुल पैंट लेके आई हूँ, ये देखिए, ऑरेंज कलर का है ये पैंट, है फुल है पूरा। इस पैंट में भी ये वाली टी शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, देखो व्हाइट में, हाँ ये अच्छी लग रही है। हाँ उसके बाद ये कुछ हाफ पैंट लेके आई हूँ ऐसी डेली यूज के लिए, एक रेड कलर का, एक ये ब्लू कलर का, एक रेड और लाई हूँ, ये देखिए कई थी हटा दी है, एक रेड टी शर्ट। हाँ जो टी शर्ट है ये ज्यादा महंगी नहीं है, ये 200-250 ऐसी रेंज में है, कोई 200 की है कोई 250 की है। मैं जानबूझ के ऐसी लाई हूँ क्योंकि डेली यूज के लिए इसको चाहिए थी। अब बारी आती है नंदनी की, नंदनी मस्त टॉप लेके आई एकदम चुन के चक्का। तो
तो ये है नंदनी, एक रेड कलर का टॉप लाई है, ये देखिए इसमें इस तरीके का इसका नेक है, ये देखिए थोड़ा सा चमकीला सा है। और ऐसे ये पूरी टी शर्ट है, ये शॉर्ट टी शर्ट है, ये टी शर्ट है शॉर्ट, लेकिन जो हेल्दी गर्ल्स होती है ना उनपे वो शॉर्ट दिखती है, लेकिन मेरे पे लॉन्ग ही लगेगी। मैं पहन लूंगी, मैं तो हेल्दी अच्छी लग रही है। हाँ, आपके ऊपर, हाँ आप पहनोगी ना तो कमर से बिल्कुल फिट बैठेगी। मौसा नहीं पहनने देंगे, इधर से पहनी है। नंदनी के सारे कपड़े मैंने ही सिलेक्ट किए थे और ये टॉप नंदनी के ऊपर बहुत खिल रहा है, जैसा कि दिख रहा था, जैसे मैं सोच रही थी कि पहनने के बाद लगेगा, सेम वैसा ही लग रहा है। और ये ब्लैक जीन्स में तो और भी ज्यादा खिल रहा है, ये देखिए, तो ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद एक और नंदनी लाई है टी शर्ट, ये वाली तो मेरी पसंद की है, मुझे बहुत पसंद आई थी। ये देखिए जो डबल वाली आती है ना, वो ये जैकेट वाली, इसमें ये फुल जैकेट है, ये देखिए। और इसको ना जैकेट के साथ में पहन सकते हैं और बिना जैकेट के साथ भी पहन सकते हैं इस वाली टी शर्ट को। और ये तो रेड वाली से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है नंदनी के ऊपर ये टी शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। रोज़ कुर्ती वगैरह में रहती है ना, तो ये इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसको। और ये इसके बाद एक लाई है, ये ब्लैक कलर का जीन्स, ये देखिए। मैं ब्लैक कलर का जीन्स इसके लिए लेके आई हूँ रेड के लिए, क्योंकि इसके ब्लू के लिए तो मेरे पास ब्लू पैंट काफी है, दो तीन हैं। ये तरीके से चेन वाली जीन्स लाई है नंदनी, डबल वाला जो टॉप है जीन्स वाला, ये आया था 1699 का। थोड़ा कॉस्टली लाई हूँ क्योंकि ये नंदनी आने जाने के लिए लाई है, डेली के लिए नहीं लाई है। डेली वाले तो मैं वो सस्ते ही लाई हूँ इनके। और ये वाला जो रेड टॉप है, ये वाला, ये आया है 999 का, यानी 1000 का, हाँ 1299 की, यानी कि 1300 रुपए की ये जीन्स है। और उसके बाद हम भी तो लाए अपने लिए कुछ, ये मैं इस तरीके का एक शर्ट टाइप का टॉप लाई हूँ, ये देखिए। अब मैं ये ट्राउजर टाइप का एक पैंट लाई हूँ, ये देखिए, ये ट्राउजर टाइप का पैंट है, लोवर टाइप का नहीं, ट्राउजर जो मोटे आते हैं ना, इस तरीके का स्ट्रेच वाली ये पैंट है, उसके साथ ये शर्ट है। ये आया है कुछ 1300 का, ये ट्राउजर आया है, और ये आया है, हाँ, और ये है 1200 की, ये शर्ट है। और अब मैं कर लेती हूँ जल्दी से खाने की तैयारी, वरना ये कहेंगे कि कपड़े ही देखने में लगी हुई हैं, क्योंकि डिनर का टाइम भी होने वाला है। मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया कपड़े उपड़े देखने दिखाने में, तो मैं जा रही हूँ लौकी बनाने। ये जो मैं चार लौकी लेके आई थी, अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना देखने में, मैं चार उठा लाई थी एक की जगह, तो इनको मैं चने की दाल डाल के बनाऊँगी आज। तो यहाँ पर लौकी काट ली है मैंने, चने की दाल मैंने गर्म पानी में गला के रख ली थी, हरी मिर्च काट ली है, प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि नवरात्र का टाइम चल रहा है, तो बिना प्याज की हरी मिर्च और मसाले डाल के ही बनाऊंगी चने की दाल डाल के। तो बस यहाँ पर मैं, और ये आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं अभी भी कि ये केन कहाँ से खरीदी थी आपने, ये बॉटल ऑयल की, तो ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करके मंगवाई थी, ऑनलाइन अमेज़ोन पर मिल जाएगी, आप ऑयल केन के नाम से सर्च करेंगे तो। और ये देखिए मैं जीरा की डिब्बी दिखा रही थी कि वो पिचक गई है, सेट ख़राब हो गया, कभी गैस के बगल में रखी रह गई है तो वो पिचक गई है। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया, इसमें डाला है हींग और जीरा, हरी मिर्च डाल दूंगी, हल्दी डालने के बाद चने की दाल डाल दूंगी, उसके बाद सारे मसाले और लौकी डाल दूंगी, तो यही बनाऊंगी मैं, चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। और इनके कपड़े मैंने आज वीडियो में नहीं दिखाए, इनके मैं आपको कल दिखाऊंगी, मैंने कहा सारे आज वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, कुछ कल के लिए छोड़ देती हूँ। और ये वैसे भी अपने लिए जब लाते हैं अपने मन के ही लाते हैं, चाहे साल भर के बाद लाएं या डेढ़ साल के बाद, मतलब रोज़ रोज़ नहीं लेके आएंगे। तो बस यहाँ पर मेरी सब्जी रोटी चावल बनने वाला है, तो आप लोग भी आ जाइए, डिनर करने का टाइम हो गया है, और मैं यहीं पर वीडियो को एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।